फ्रॉडलेंट बिहेवियर एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस, कि बिजनेस में अगर कोई फ्रॉड हो या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, तुम्हें बताया थोड़ा तेज चलूंगा, ठीक है। और सबको बोल रहा हूं, स्पेशली देखो, जो भी मैं बोल रहा हूं पहले ध्यान अपना कान मेरे बोलने पे सुनो, पहले मेरे बोलने पे फोकस होना चाहिए, उसके बाद यहां देखना। अगर तुम सिर्फ पढ़ोगे मेरे बोलने पे ध्यान नहीं दोगे तो बात तुम्हें भी समझ नहीं आएगा और मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये सभी के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, एसेंशियली थेफ्ट बाय डिसेप्शन। फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल बाय फाइन और इंप्रिजनमेंट। मतलब क्या हुआ फ्रॉड का? अगर हम कोई भी काम करते हैं जानबूझ के कुछ छुपाने के लिए या जिससे हमें कोई फायदा हो, दैट इज कंसीडर्ड एज फ्रॉड, ठीक है। डिसेप्शन मतलब कुछ उल्टे सीधे तरीके छुपाने के, दैट इज डिसेप्शन, छुपाना। लेकिन मैंने टैक्स पे नहीं करना था, मैंने सेल्स उड़ा दी, दैट मींस मैंने सेल दिखाई कम, सो दैट इज अ फ्रॉड। तो ऐसे फ्रॉड्स नहीं करना, तो डिसेप्शन मतलब छुपाना, 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 गलत दिखाना, दिस इज कॉल्ड डिसेप्शन। तो अब फ्रॉड के अंदर तीन चीजें होती है, या नॉट तीन चीजें, बेसिकली तीन तीन चीजें क्या क्या हो सकती हैं। एक होता है एरर। एरर क्या होता है? गलती से मुझसे एरर हो गया, कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गया, दैट इज कॉल्ड एरर। मैं करना नहीं चाहता था, टोटल कर रहा था, 100 की जगह मैंने 1000 लिख दिया, जान के नहीं लिखा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दिस इज कॉल्ड एरर। सो एरर रेफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक। एरर इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, सो सिस्टम्स ऑफ इंटरनल चेक्स आर एसेंशियल। क्योंकि अगर मैंने छोटे मोटे एरर किए, टोटली की गलती करी है, तो इंटरनल कंट्रोल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहां से गलतियां ठीक हो सकती है, क्योंकि वहां पे मैं यही चीजें चेक करूंगा। इसके बाद आता है इनरेगुलरिटी। इनरेगुलरिटी इज समथिंग कॉन्ट्रेरी टू पर्टिकुलर रूल एंड स्टैंडर्ड, कि एक चीज को मैं बार बार गलत कर रहा हूं, एक ही चीज को मैं बार बार गलत कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनरेगुलरिटी। या फिर कोई स्टैंडर्ड है वो मैं ठीक से फॉलो नहीं कर रहा हूं, जैसे अकाउंट्स में कोई रूल है कि कैश आया तो ऊपर, कैश गया तो नीचे, मैं दोनों नीचे नीचे लिखता जा रहा हूं, दैट इज नॉट माय एरर, वो मेरी गलती नहीं है, वो इररेगुलरिटी है। मुझे नॉलेज नहीं है चीज की, मैं गलत काम कर रहा हूं, तो दैट इज इररेगुलरिटी। मिसस्टेटमेंट इज समथिंग स्टेटेड रॉन्गली। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज ड्यू टू फ्रॉड, इररेगुलरिटी एंड एरर। मैंने कोई चीज छुपा दी जानबूझ के। अब मिसस्टेटमेंट क्या हो सकता है? जैसे बैलेंस शीट में प्रॉफिट, सोचो लॉजिक सुनना, मैंने करी थी 1 करोड़ की सेल्स, गलती से अपनी बुक में दिखा दी 1 लाख, या 10 लाख की, दैट मींस मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए, प्रॉफिट्स कम होने से टैक्स कम निकला। अब इस केस में क्या मेरी गलती है? थोड़ी सी मैं कह सकता हूं, क्योंकि इट इज माय मिस्टेक, मैंने गलती करी, तो गलती की वजह से मिसस्टेटमेंट होगी, मैंने जो चीज दिखानी थी वो नहीं दिखाई, कुछ नहीं हुआ। मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो चीज बैलेंस शीट जो है उसमें चीज गलत दिखाई जा रही है, एरर नहीं होगा भाई, बैलेंस शीट में चीज गलत दिखाई जा रही है। गलती किस किस वजह से हो सकती है? या तो एरर से हो सकती है, या फ्रॉड से भी तो हो सकती है ना, हो सकता है जानबूझ के मैंने 90 लाख की सेल छुपाई हो सकता है गलती से सेल छुपी हो, लेकिन बैलेंस शीट तो गलत होगी ना, सो दैट इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट। सो मिसस्टेटमेंट इज समथिंग स्टेटेड रॉन्गली, कि ये चीज गलत दिखाई हुई है। कैसे कैसे हो सकती है? या तो मैंने जान के करी हो, फ्रॉड करा हो, या फिर कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करा हो, या फिर मेरी किसी गलती से हो गया, सो दिस इज कॉल्ड मिस्टेक, ठीक है, समझ आया गाइस? अब ये डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड, एरर, इररेगुलरिटी, मिसस्टेटमेंट, ये पढ़ लेना तुम्हें समझ आ जाएगा। दीज आर जस्ट एग्जांपल, घर पे पढ़ते तो वो कभी पढ़े घर पे नहीं पढ़ा ना? हां सर, कभी पढ़ा था। अच्छा पढ़ते हो, तो ये चलता है, वो बोलते तू कर लो कैसे हो रहा। अच्छा नेक्स्ट लेवल चल रहा है, ठीक है। चलो गाइस, एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, फ्रॉड कंप्राइजेस ऑफ बोथ द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल फाइनेंशियल एडवांटेज,
एंड इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जान के कोई गलती करता हूं मैं जिसकी वजह से बैलेंस शीट में गलत फिगर आती है, दिस इज कॉल्ड एरर, ओ सॉरी फ्रॉड। सो फ्रॉड क्या होता है, जान के मैंने गलती करी है, जान के मैंने सेल्स कम दिखाई है ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो और बैलेंस शीट में सेल्स कम हो जाए, ठीक है, दिस इज फ्रॉड। इट इज अल्टीमेटली अप टू द कोर्ट टू डिसाइड इन ईच इंस्टेंस वेदर द फ्रॉड हैज अकर्ड, फॉर एग्जांपल डेलिबरेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डेलिबरेट इग्नोरिंग ऑफ एरर्स, deliberate suppression of financial relevant information. For example, मेरी जो sales थी वो थी 1 crore, मैंने दिखाई 10 lakh, ठीक है, वो दिखाने के बाद मेरे profits भी बहुत कम आ गए और tax भी बहुत कम आया, income tax वाले आ गए मेरे पास पकड़ने, उन्होंने बोला ये आपने जान के दिखाई है, मैंने बोला नहीं जान के नहीं दिखाई, मैं लेट हो गया था जल्दबाजी में गलती से हो गया, हो सकता है अब मैंने फ्रॉड करा है अंदर से मेरे को पता है, लेकिन उनके सामने तो मैं यही बोलूंगा ना गलती हुई है। So that is up to the court कि वो कैसे समझेंगे कि इसने जानबूझ के गलती करी थी, वो बोलेंगे भाई तेरे को बैलेंस शीट तूने बनाती सब बना दिया, तेरे को इतना नहीं दिखा तेरी सेल 1 crore है, इतना बेवकूफ कौन इंसान होता है ओनर जिसको खुद तूने 1 crore की सेल्स करी है और तू उसमें 10 lakh कर रहा है, तो ये तो तू जान के कर रहा है कि टैक्स ना पे करना पड़े, ये तो सबको दिख रहा है कि जान के किया हो, तो दिस इज अप टू द कोर्ट कि वो मैटर को कैसे जज करे कि ये जानबूझ के की गई गलती है या गलती से मिस्टेक वाली गलती है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद आता है who may carried out fraud, कौन कौन फ्रॉड कर सकता है, ये मैं पढ़ा रहा हूं, नोट दैट फ्रॉड में बी कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स मे डेलिबरेटली सिलेक्ट इन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि उन्होंने पॉलिसी ही गलत चूज करी है अकाउंटिंग की ताकि हमारी ये चीज कम आए, एम्प्लॉइज मे स्टील प्रोसीड्स ऑफ कैश सेल्स एंड ओमिट टू एंटर द सेल इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एग्जांपल एक मैं सेल्स का ध्यान रखता हूं, एक कैश सेल मैंने करी, जब तुम्हारी दुकान है, मेरी दुकान है, तुम बड़े लोग हो, मेरी कोई छोटी सी दुकान है, किराने की दुकान है, एक बिट्टू आया चिप्स लेने कि मेरे को 3 चिप्स के पैकेट चाहिए 30-30 रुपए वाले, उसने मेरे को 90 रुपए दिए, अब मैं ओनर नहीं हूं दुकान का, मैं दुकान में भी एक सर्वेंट हूं, मालिक घर गए होते खाना खाने तो मैंने सेल कर दी और वो कैश अपनी जेब में डाल दी, ना मालिक को बताया सेल हुई और वो कैश को अपनी जेब में रख लिया, दैट इज फ्रॉड बाय एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने स्टील प्रोसीड्स फ्रॉम कैश सेल एंड ओमिट टू एंटर इन बुक्स, मैंने वो सेल्स भी नहीं दिखाई गई है, छुपा दी थी, तो सर स्टॉक का होंगे तो पता चल जाएगा, चल सकता है पता, होने को तो कुछ भी पता, होने को तो ये फ्रॉड भी पता चलता है सर, बट अगर सपोज करो कोई वो है, कोई बड़ी कंपनी फर्म है, अगर उसमें कुछ स्टॉक में अगर कुछ परसेंट मतलब सपोज करो 10-12 कुछ का डिफरेंस आता है तो इतने में तो पता नहीं लगेगा ना, कोई खर्चा नहीं किया, कंपनी में फर्जी रिइंबर्समेंट की बिल दे दी, एम्प्लॉय मेट्रो से गया था दिल्ली, उसने जान के बोल दिया मैं कैब से गया था, कैब में इतना खर्चा आया, फ्रॉड जान के कर रहे, तुम्हारी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी, मैं तुम्हारा एक छोटा सा सफाई वाला बंदा हूं, मैं सफाई करने के लिए आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है, मैंने क्या किया पिछले 3 महीनों के तुम मेरे को पेमेंट कर चुके हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी है 300-400-500 रुपए नहीं आ, अगले महीने मैंने क्या किया मैंने एक और बिल बना दिया 4 महीने का कि आपने पेमेंट नहीं दे, हो सकता है मेरे को गलती से वो पेमेंट दे दे, हो सकता है ना ध्यान ना रहे गलती से दे दे, सो दैट इज थर्ड पार्टी भी फ्रॉड कर सकती, ठीक है, ये होता है फ्रॉड में भी डन बाय मैनेजमेंट इंप्लॉइज एंड थर्ड पार्टी, चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, ये चलो एक बार पढ़ते हैं एंड लेट्स सी इसका आंसर क्या आएगा, पढ़ के सारे मुझे बताओ क्या सिचुएशन है और क्या होगा लास्ट पूनम फर्स्ट, आंसर नहीं देखना तुम चीज आंसर देखिए पीछे देखी जाना
इसमें तीनों अलग अलग है कि बताओ क्या है, has Rob committed fraud, किसने fraud करा, रोग ने करा है, क्लर्क ने करा है, रोग ने किया, क्यों, रोग इज अ ट्रेडर, has sent your company a bogus invoice for advertising in non-existing publication, the rogue spoke to a purchase ledger clerk at your company and convinced her that company has placed several previous advertisements in the publication in the past so that this repeat advertisement was genuine. The clerk was innocently fooled into pass filing of the invoice for payment. So, rogue has committed a fraud. Will rogue be paid? Obviously not. हम उसको pay नहीं कर रहे। ठीक है? और हम सर उसने तो क्लर्क को कन्विंस किया बट जरूरी थोड़ी क्लर्क थोड़ी तो क्लर्क ने फ्रॉड थोड़ी करा नहीं नहीं सर थोड़ी सा बता रहा हूँ नहीं नहीं विल रोग भी पे मतलब कि अगर सिचुएशन हमें पता है हम पे करेंगे रोग को या नहीं तो ऑब्वियसली नॉट वी विल नॉट पे रोग क्योंकि उसने फॉल्स करा हो सो पहला केस है हैज रोग हैज कमिटेड फ्रॉड यस हैज क्लर्क कमिटेड फ्रॉड नो एरर में कर दिया उसने इट कैन बी एन एरर किस वजह से फ्रॉड हो सकता है परक्यूजिट्स ऑफ फ्रॉड मींस किस वजह से फ्रॉड हो सकता है फ्रॉड के रीजन क्या है फटाफट से करते हैं There are three perquisites that are required for fraud to occur. Fraud के होने के लिए तीन perquisites होते हैं. पहला dishonesty. Dishonesty means कि किसी एक आदमी को कोई चीज छुपाने का मन हो अंदर से, कोई बंदा dishonest हो, झूठ बोलने वाला हो, वो करेगा fraud. दूसरा opportunity कि उसको एक मौका मिले झूठ बोलने का. अगर मौका ही नहीं मिल रहा झूठ बोलने का, वो कैसे झूठ बोलेगा? तीसरा motivation कि उसका एक motivation होना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे. मजे करेंगे थोड़ी झूठ बोलेगा. झूठ बनता तभी बोलते जब उसको कोई बेनिफिट मिलता है. अगर कोई बेनिफिट ना मिले तो कोई झूठ नहीं बोलता. तो पहला एक डिसऑनेस्टी मेरे मन में, दूसरा मुझे मौका मिलना चाहिए, और तीसरा मौके से मैं कुछ कमा सकूं तभी मैं फ्रॉड करूंगा. और ये तीनों चीजें हुई तो फ्रॉड हो सकता है. सो ऑल थ्री आर यूजुअली रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट एम्प्लॉई इज अनलाइकली टू कमिट अ फ्रॉड इवन इफ उसका मोटिव भी हो और अपॉर्चुनिटी भी हो बिकॉज वो कौन सा बंदा है ऑनेस्ट बोल्ड काम नहीं करने वाला. ठीक है. फैक्टर्स दैट माइट इंडिकेट एन इंक्रीज रिस्क टू फ्रॉड एंड एरर इंक्लूड किन किन चीजों की वजह से हमारे फ्रॉड और एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. पहला है मैनेजमेंट डोमिनेटेड बाय वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन के पूरी कंपनी एक ही बंदे के कंट्रोल में है. जैसे कई बार क्या होता है जैसे अनुराधा जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है ऑल्दो बेगम एम इज द ओनर लेकिन सारा कंट्रोल अनुराधा के पास है. सारा कंट्रोल वही करती है अनुराधा हर चीज. सो दैट मींस एक ही बंदे के हाथ में ज्यादा कंट्रोल हो सारा कंट्रोल हो सो देयर आर चांसेस कि वो बंदा एरर या फ्रॉड कर सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड करती है. मैं बता दूं एग्जांपल. नेक्स्ट अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. अब पैसे अगर आए सीधा सीधा बैंक में जमा कराओ लेकिन अगर उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर ऐसे होगा फिर वैसे होगा तो उस केस में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. जहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सीधा सीधा स्ट्रक्चर होगा तो हम देख सकते हैं कि पैसा वहां नहीं गया लेकिन दस जगह घूम के गए तो हमें कुछ समझ नहीं आया. तीसरा पुअर स्टाफ मोरल. मतलब जो स्टाफ है हमारा वो खुद ही खुश नहीं है कंपनी से. चाय वाला खुश ही नहीं है. जो कंपनी में सफाई वाला बंदा है वो खुश ही नहीं है कंपनी से तो वो झूठे मूठे फर्जी चाय के बिल बनवाएगा और दूध के पैकेट लाएगा दो और बोलेगा मैं 10 पैकेट लेके आया और सबको पानी वाली चाय पिलाएगा. मैं नहीं कह रहा यहाँ पे खिलाओ बट जस्ट एग्जाम्पल. सो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं. चौथा पर्सनल हु डू नॉट टेक लीव्स और हॉलीडेज. अभी एक और गेम है. अगर एक बंदा छुट्टियां नहीं लेता अगर एक बंदा हॉलीडेज नहीं लेता तो हम बोलेंगे वो बंदा सही है. लेकिन भाई एक बंदा जो जेन्युइन है उसको घर भी तो चलाना है अपना घर भी चलाना ऑफिस भी संभालना है. लेकिन एक बंदा अगर छुट्टी नहीं लेता दैट मींस हो सकता है वो रात रात को लेट यहाँ पे बैठ के कुछ जुगाड़ देखता हो. सारे लोग घर चले जाते हैं वो अकेला बैठा रहता है. इतना क्या मेहनती हो गया भाई इतना क्या डेडिकेशन हो गया कंपनी के लिए. खुद की तो कंपनी है तो मतलब चांसेस हो सकते हैं कि वो फ्रॉड करे. आई एम नॉट सेइंग कि वो करेगा. हो सकता है कि वो आदमी फ्रॉड करे. इसके बाद लैविश लाइफस्टाइल ऑफ एम्प्लॉई. भाई एम्प्लॉई की सैलरी है 25,000 महीना गाड़ी है बंदे के पास और ये क्या चक्कर है.
एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000 और मेरे पास ही नौकरी करता है और कोई खानदानी का ऐसा नहीं है, ऑडी लेके घूम रहा बंदा, आज नहीं रोलेक्स की घड़ी लेके आया, कल भाई 25,000 की जींस वर्सेज की लेके घूम रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार। सो दैट मींस वो आदमी फ्रॉड कर सकता है। उसके बाद इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कि मैंने एक ही वही हो गया, सेग्रीगेट नहीं करी मैंने ड्यूटीज, एक ही बंदे को सारी ड्यूटीज दी हुई, तो वो भी फ्रॉड कर सकता है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम के जो हमारे कंट्रोल सिस्टम थे वो कोई मॉनिटर नहीं करता, देखता नहीं है, इंटरनल कंट्रोल कोई देखता नहीं है, जैसे चल रहे हैं चलने दो, दैट मींस वहां पे फ्रॉड हो सकते हैं। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, नॉर्मली हमारी ट्रांजैक्शन बैंक से होती है लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन कैश से होती जा रही है, दैट मींस ये फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद पेमेंट फॉर सर्विसेज डिसप्रोपोर्शनेट टू एफर्ट, मतलब सफाई करी दो दिन पैसे ले ली महीने के, सफाई करी दो दिन पैसे लेके महीने के, दैट इज पेमेंट्स फॉर सर्विसिंग डिसप्रोपोर्शनेट टू एफर्ट, एफर्ट किया उसने कम पैसे लेके ज्यादा, सो वो बंदे भी फ्रॉड कर सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी वाला फ्रॉड है। सर ये वाला नहीं बता रहा, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे खुद हमें समझ नहीं आएगा ट्रांजेक्शन कौन सी कहाँ जा रही है। जैसे मान ले मेरे पर मैं 100 आइटमें बनाता हूँ एंड एक ही डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, जो हमने बताया ना सेकंड चैप्टर में हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर, मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही सबका फाइनेंस देखता है 100 यूनिट का, तो हो सकता है वो कहीं पे फ्रॉड भी कर ले, लेकिन अगर हर एक का अलग डिपार्टमेंट है तो वहां पर मैं देख सकता हूँ इस पे इतना फंड है, इस पे इतना फंड है, इस पे इतना फंड है, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इसके बाद If management has established a strong system of internal control, then potential fraud be greatly reduced, not eliminated. Reduce हो सकते हैं, fraud खत्म नहीं हो सकते। ये भी चीज़ याद रखना। अगर लिखा हो fraud eliminate नहीं, can be reduced। चलो ये पढ़ लेना दोनों बुक पर है, not important। अब आते हैं examples of fraud in a business organization. Forewarned is forearmed, छोड़ दो। By studying examples of fraud seen previously in businesses, you should be better able to assess the risks that such fraud may occur in your business, enabling you to respond properly to the threat. कि जब कोई risk होगा तो मैं पता चल जाएगा या कोई fraud होगा कि इस fraud से कितना ज़्यादा risk हो सकता है, and उसके बाद उसके according तुम action लोगे कि कैसे इस fraud को मुझे ठीक करना है। सर ये क्यों क्या लिखा है आपको? ये वैसे ही statement बताई है, forewarned is forearmed, कि पहले ही और कहते हैं ना पहले ही तैयारी होनी चाहिए लड़ाई की, वो चीज बताइए, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फालतू चीज है। थैंक यू। फ्रॉड्स कैन बी कैरीड आउट बाय मैनेजर्स, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, ये हम पढ़ चुके। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं? कंपनी एज अ होल फ्रॉड करती है, मतलब अगर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है मतलब सबको पता है पूरी कंपनी में कि फ्रॉड हो रहा है। कंपनी अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही है मतलब सबको पता है कि फ्रॉड हो रहा है लेकिन सारे चुप रहते हैं। कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग, कुकिंग दी बुक्स, मतलब फर्जी बुक्स बनाई। बैंक से लोन लेना था, सेल्स हुई थी 1,00,000 की, बैंक ने दिखा दी मेरी 1,00,000 की सेल्स हुई है, दे दो लोन। दैट इज कुकिंग ऑफ बुक्स, विंडो ड्रेसिंग, झूठ बोलना। सो ये पूरी मैनेजमेंट करती है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट लिया हुआ है बिजनेस के नाम पे लेकिन ओनर अपने घर में यूज कर रहे हैं, कार नहीं हुई है लेकिन वो घर में यूज हो रही, तो फिर बिजनेस का एसेट तो नहीं हो। फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम्स, के फर्जी इंश्योरेंस क्लेम करके पैसे निकाले जा रहे हैं। यू जैसे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम का होता है, मैंने दिखा दिया मेरे गुड्स डैमेज हो गए जबकि वो गुड्स मैंने छुपा के नहीं रखे थे, और दिखा दिया मेरे गुड्स डैमेज हो गए, चल गए रास्ते में, कुछ हो गया, चोरी हो गया, ऐसे थोड़ी ना देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के दे तो देती है कंपनी को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी ने अगर बारिश वो कराई है अपनी स्टॉक की इंश्योरेंस कराई और स्टॉक चोरी हो गया तो देगी नहीं इंश्योरेंस कंपनी, चोरी होने में मिल जाता है, होता है थेफ्ट इंश्योरेंस, तो थेफ्ट इंश्योरेंस कराई है, दिखा दिया चोरी हो गया और पैसे लिए। ऑल्दो दिस इज लॉन्ग प्रोसीजर बट मैं इतना डिटेल में कराना नहीं चाहता बिकॉज दैट बी प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम। अभी हमें जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, जस्ट समझने के लिए तुम्हें कि कंपनी इस तरह से कर सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम करके। सर विंडो ड्रेसिंग मतलब जो बोल रहे हो, विंडो ड्रेसिंग मतलब जो बोल ऊंची दुकान फीका पकवान, बैंक में गए ऊंची दुकान के सेल्स है 100 करोड़ की, लेकिन जब गए कंपनी की फैक्ट्री में इतनी सी फैक्ट्री है 100 करोड़ की कैसे सेल होगी? विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, चलो
अब होता है एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज, फटाफट से सेल्स लेजर फ्रॉड, टीमिंग एंड लैंडिंग, स्टीलिंग कैश सेल्स, सेम वही चीजें कुछ ज्यादा खास नहीं। यहां पे आपने एक पर यहां पे बोला है प्रिडिक्शन ऑफ से एसेट्स और नीचे में से है यू थिंक कंपनी एसेट्स कॉल पर्सनल यूज, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मैंने तभी यहां पे लाइन लगाई थी कि मतलब दोनों का काइंड ऑफ सेम है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की कंपनी के दूसरे में है कि कोई कौन सी को माफ कर रहा है, दोनों इसी में है। क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि विच वन इज मैनेज फ्रॉड, दोनों अरे अगर दोनों आ गए तो दोनों को आ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही इसका पार्ट है, दोनों ही के लिए दैट मींस क्वेश्चन ही होगा। सर पेरोल का पेरोल मतलब जो सैलरी देते हैं, जो पार्ट जो एम्प्लॉइज को सैलरी बनाता है सैलरी देते हैं, पेरोल सब में डिपार्टमेंट होता है ना, पेरोल हर कंपनी में डिपार्टमेंट, वो डिसाइड करता है इसको कितनी सैलरी, वो डिसाइड नहीं करता, वो सैलरी देता है, सैलरी डिसाइड बाय योर सीनियर मैनेजर, लेकिन पेमेंट पेरोल वाला। ठीक है चलो भाई, सो फ्रॉड बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के थ्रू क्या फ्रॉड हो सकता है? सेल्स लेजर फ्रॉड, टीमिंग एंड लैंडिंग, स्टीलिंग कैश सेल, मतलब सिर्फ वही है कि मैंने कैश सेल जो थी पैसे निकाल लिए, एंट्री उड़ा दी, एंट्री घुमा दी, सेल जो थी 10 लाख की मैंने 1 लाख की निकाल दी, 9 लाख कैश ले गए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने जब सेल हुई मैंने कहा तो दो चेक बना, एक मेरे नाम का एक कंपनी के नाम का, कंपनी के नाम का बना 1 लाख का, 9 लाख का बना मेरे नाम का, एंड उसके बाद मैं 9 लाख अपने नाम पर डाल दूंगा, कंपनी की बुक्स में मैंने सेल दिखाई 1 लाख, दैट इज लाइक टीमिंग एंड लैंडिंग, स्टीलिंग ऑफ कैश। ये परचेज एज अ फ्रॉड, मैंने फर्जी परचेज दिखा दी, फर्जी परचेज दिखाई मतलब मैंने फर्जी पेमेंट दिखा दी और वो पेमेंट हुई किसी की, मेरे कजन को मैंने दिखा दिया अपने कजन से परचेज किया मैंने बात, जबकि कुछ परचेज भी नहीं था। स्किमिंग स्कीम, स्किमिंग स्कीम मतलब अब इसको मैं डिटेल में नहीं कराना चाहता, काफी लंबा प्रोसीजर है, तुमने पढ़ा होगा प्राइस स्कीमिंग, हमने एक जगह वी हैव स्टडीड प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? धीरे धीरे नीचे गिराते रहते हैं, तो प्राइस स्कीमिंग का मतलब इसने क्या किया, सेल्स हुई, सेल प्राइस स्कीमिंग तो तुझे भी पढ़ा होगा क्या होता है, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है कि मैं घर जाऊं, घर छाऊं, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है कि सेल्स मेरी हुई थी, परचेज मेरी हुई थी 1 लाख की, मैंने दिखा दी कि मैंने 10 लाख की परचेज हुई, हाई प्राइस पे प्राइस बढ़ा दिए, इन्फ्लेट कर दिए प्राइस, दैट इज प्राइस स्कीमिंग। पेरोल फ्रॉड, सैलरीज देनी थी मैंने, अब सैलरी दी हुई है मैं कंपनी की, उन्होंने क्या बोलूंगा टोटल सैलरी इस महीने इतनी जाएगी और ये 100 एम्प्लॉइज है जिनको सैलरी देनी है, तो क्या ओनर 100 एम्प्लॉइज का नाम चेक करेगा? नहीं करेगा। मैं पेरोल वाला बता था, मैंने उसमें दो अपने भाई डाले, दो भाइयों के नाम दिखा दिए, उनको सैलरी देनी है, उनके अकाउंट में चेक जमा कराओ, ओनर को क्या पता कितने एम्प्लॉइज। ठीक है, ये होता है पेरोल फ्रॉड। अब तीसरा होता है फ्रॉड बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कैसे फ्रॉड कर सकती है? फ्रॉड बिल, बैंक अकाउंट फ्रॉड, एडवांस फी फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम, तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट होगा। पॉन्जी स्कीम मतलब फर्जी स्कीम में जैसे होता है ना कि आप पैसे इन्वेस्ट करो बाद में आपको मिल जाएंगे, तुमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए कुछ मिला नहीं रिटर्न में, वो होती है पॉन्जी स्कीम। ठीक है, इसके बाद यही सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, बिल्कुल ये चीजें हैं, ये घर में पढ़ लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट के पूरी डिटेल में, बस एक बार रीड कर लेना, मैंने सब कुछ हिंदी में तुम्हें बता दिया। सर एडवांस की फ्रॉड क्या होता है? एडवांस की फ्रॉड मैंने आपको पहले ही एडवांस दिया हुआ था और उसके बाद बैलेंस में आपको दे रहा हूँ, तुम बोलो कि कहाँ एडवांस दिया हुआ, वो नहीं दिया हुआ है, देखो मैं लिखा हुआ एडवांस दिया हुआ, लड़ सकते हो ना मेरे साथ, दैट इज एडवांस की फ्रॉड। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार, कुछ खास नहीं है, आगे डाउट तुम्हारे जो होती है ना वो क्लियर होती है। ठीक है, इधर सेशन भी छोड़ दो अभी के लिए, अब जैसे एक ही करा दो, टीमिंग एंड लैंडिंग क्या होता है ये समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टीमिंग एंड लैंडिंग। अब देखो टीमिंग एंड लैंडिंग क्या होता है, पहले एक बार पढ़ते हैं। टीमिंग एंड लैंडिंग इज अ जगलिंग फ्रॉड नॉर्मली ऑन सेल्स लेजर वेयर बाय receipts of later debtors are allocated to pay off earlier debtors. अभी पढ़ेंगे आगे पूरा। For example, company X might invoice customer for $100 per day, who for the sake of simplicity pay all the bills after 1 week. On day A, company receive $100 from the sales of day one, then accounts clerk steal this money. अब basically क्या होगा देखो, इसमें केस क्या है मैं वैसे समझा रहा हूँ। कंपनी का हिसाब क्या है, वो हर 7 दिन बाद पैसे लेती है, कंपनी हर 7 दिन बाद सेल्स के पैसे लेती है,
तो जैसे एक हफ्ते में मेरी 7 दिन के अंदर 100 रुपए की सेल हुई, $100 की सेल हुई, ठीक है। मैंने क्या किया, अब पहले मैं बताता हूँ रियल केस में क्या होता है। ये वाली पेमेंट मेरे को 7वें दिन आ गई, फिर ये वाली पेमेंट 7वें दिन आ गई, ऐसे करके मेरे को 7-7 दिन बाद पेमेंट आती जा रही है। एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलो, आ जा ठीक है। सो क्या होगा, ये वाली सेल मेरे को इस डे को आ गई, ये वाली सेल अगले दिन, ऐसे ऐसे मेरे को सेल आती जा रही है और ऐसे सबसे चलता जा रहा है, जो सेल यहां पे हो रही है 7 दिन बाद उसके पैसे आते जा रहे हैं। अब गेम क्या हुई, मेरे को जो तीसरी सेल के पैसे आए ना, वो पैसे मैंने निकाल लिए और उस दिन कोई रिसीट नहीं दिखाई। अगले दिन जो मेरे को पैसे आए, वो पैसे मैंने पिछले दिन के दिखा दिए, समझ आया। अगले दिन जो मेरे को पैसे आए, मैंने दिखा दिया, वो पैसे पिछले दिन आए। अब 100 रुपए का सर्दा चलता जा रहा है, तो वो 100 रुपए बीच में से गायब हो गया, वो मैंने पैसे निकाल दिए। जो सेल अगले दिन की है, वो मैं पिछले दिन की दिखाता था। सर लास्ट दिन की सेल, सर एक दिन के तो सेल्स में गड़बड़ी आएगी ना फिर। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो अगले दिन के पैसे है वो मैंने इस दिन लिख दिए, अगले दिन मेरे को 100 रुपए आने, अगले दिन 100 रुपए मैंने दिखा दिए, वो पिछले दिन आए। सेल में जो अगले दिन आए पिछले दिन, अगले दिन पिछले दिन, ऐसे करके मैंने एक दिन एक्स्ट्रा चल रहा हूँ। अगले दिन की सेल्स के पैसे इस दिन दिखाता हूँ, क्या उन लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि ये वाले जो पैसे आए इस दिन वाले, अगले दिन वाले, वो तो देखेगा 100 रुपए आते जा रहे हैं। और ये चीज हमारी रेगुलर हो रही है, थोड़ी कभी बंद हो रही है, ये रेगुलर चलती जा रही है, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा ये कौन सा पैसा दोबारा भी हो सकता है, दोबारा उसने फिर एक और पेमेंट ऊपर चढ़ा, दोबारा ये जो 2 दिन बाद पैसे आएंगे वो पहले लिख देते हैं कि 2 दिन बाद तो आ जाएंगे, मैं आज ही दे दूं। सर तो ये सेंटेंस भी डाल रहा हूं, रिसीप्ट ऑफ लेटर डेटर्स आर एलोकेटेड टू पे ऑफ अर्लियर डेटर्स। हां, कि रिसीप्ट ऑफ लेटर डेटर्स जो ये वाली है, जो ये वाले पैसे हमें यहां आएंगे, फिर ये वाले पैसे यहां आएंगे, फिर ये वाले पैसे यहां आएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ इसका मतलब समझा कि टीमिंग एंड लैंडिंग का मतलब क्या होता है। टीमिंग एंड लैंडिंग मींस कि जो चीज कांस्टेंट चलती जा रही है उसमें से मैंने पैसे गायब कर दिए ताकि किसी को पता ना चले। दिस इज सिंपली मींस टीमिंग एंड लैंडिंग। चलो इसके बाद तुम्हारा आता है टेक्चर अंडरस्टैंडिंग 2। टीमिंग एंड लैंडिंग फ्रॉड कैन नॉट बी कैरीड आउट विद इन परचेज सिस्टम लेजर। टीमिंग एंड लैंडिंग सेल में भी हो सकती है, ये परचेज में भी हो सकती है, सेल में भी हो सकती है। So that means this is fraud, cannot be carried out. This is not true, this is fraud. Purchase के case में भी teaming lining हो सकती है। तो मैं payment कर रहा हूँ, एक payment उसको ना देके मैंने जेब में डाल दूँ, अगली जब payment आई पिछले वाले को pay कर, तो वहाँ पे भी ये चीज हो सकती है। अब आता है fraudulent and financial reporting। पढ़ाई होता है। किसने बोला था छोटा ही? कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हमें उसको डिस्क्लोज करना है। तो सिंपल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व intentional misstatement in financial statement in order to deceive financial statement user, कि user को झूठी चीजें दिखाने के लिए मैंने balance sheet में कुछ changes कर दिए, that is fraudulent financial reporting, balance sheet में कुछ fraud करना। examples of fraudulent financial reporting क्या हो सकते हैं? Recording fictitious entry in accounting record, particularly those close to the end of the year, that is window dressing, कि मैंने साल के end में कुछ फर्जी सेल्स की या परचेज की ट्रांजैक्शन दिखा दी जिसकी वजह से मेरी बुक्स बदल गई। दूसरा, इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस और जजमेंट यूज्ड टू एस्टिमेट अकाउंटिंग बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल, तुम्हें याद होगा, तुमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, हमारा होता है प्रोविजन फॉर डेटर्स, याद है, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, कि मेरे को लग रहा है हर साल से 5% पैसे नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है इस साल में 5% ही आएंगे, मैंने प्रोविजन बना दिया 25% का, क्यों, कोई रीजन नहीं, मेरे को लग रहा है इतना 25% नहीं है, सो दैट मींस मैंने प्रॉफिट अपने कम कर दिया, सो दैट इज लाइक इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ओमिटिंग
advancing or delaying recognition of financial statement or transaction that have occurred during the year. एक transaction इस साल हुई है, जैसे sales हुई है, मैंने इस साल ना दिखा के अगले साल दिखा दी, वही है sales हुई है. हाँ वही चीज है, सारी है वही fraud ही है, सारे हैं types of fraud ही चल रहे हैं. बच्चे पढ़ रहे हैं वो total fraud थे, ये है कौन कौन fraud करते हैं. Team in line, lighting नहीं भाई, एक साल की sale मैंने अगले साल दिखाई है, team in line थोड़ी है. Long term, long term. Long term में कैसे हो जाएगा यार, क्या बात है, ये थोड़ी हर साल का देखेंगे, हर साल इतने पैसे आते जा रहे हैं, वो अलग है, टीमिंग एंड लैंडिंग डिफरेंट है. ये सिर्फ एक अलग फ्रॉड है कि मैंने इस साल में सेल दिखा के अगले साल दिखा दी ताकि इस साल मेरी सेल ना हो जाए. ठीक है, कंसीलिंग फैक्ट दैट वुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने कुछ फैक्ट्स छुपा दिए जिसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट चेंज हो सकते थे. इसका भी लिंक वही से कर लो जैसे हमारा प्रोविजन था, कि फैक्ट था कि मेरा प्रोविजन बनना था 5%. मैंने फैक्ट छुपा के बोल दिया, मेरे को लग रहा है 25% पैसे नहीं आएंगे, मार्केट में पैसा ही है. सेम एग्जांपल. उसके बाद ऑल्टरिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन. अगर बिजनेस में मैंने देखी कि मेरी नॉर्मल ट्रांजेक्शन ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मेरी साल में एक या दो ही हो रही है, तो इसको उड़ाई रखो, खत्म, उड़ा के पास से बात, किसी को पता नहीं चलेगा. चेंज और कौन सा कंसीलिंग फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड. मैंने क्या बोला यार, तभी तो कह रहा हूं सुना कर सर, मैं सुन रहा हूं, तुम्हें टाइम लगता है. कंसीलिंग फैक्ट इसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे फैक्ट है कि मेरा प्रोविजन बनेगा 5%, हर साल से 5% ही मेरे प्रोविजन बनते हैं, लेकिन मैंने दिखा दिया कि 25% बनेंगे. सर वो तो आपने इसका मैंने अभी बताया था कि दोनों लिंक कर लो सेम एग्जांपल से, दोनों का मतलब सेम ही. मैंने यही बोला दोनों का मतलब सेम ही है, यू कैन लिंक दैट. इतना डिटेल में अगर पढ़ो तो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको. इसको जस्ट रीड इट एज मतलब समझने का मतलब ये खत्म. डोंट गेट इनटू इतना डिटेल में क्या होगा, ऐसे होगा तो ये होगा, इतना डिटेल में जाओगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. सिर्फ समझो एक बार चीज को, ये चीज है क्या, ये मतलब है चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भैया दिस इज ऑल्सो फ्रॉड. कि अगर मैं तुमसे पूछूं कंपनी के में क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, ये फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, खत्म. अब तुम बोलोगे सर इसमें तो ये वैसे ही हो सकता है वैसे, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, एंड ऑनेस्टली उसमें यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. बेटर है इसको बस समझो मतलब ये, कल अंदाज से आगे बढ़ो, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करा रहा हूं. सर रिकॉर्ड्स ऑल्टरिंग रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड चेंज करना, डिलीट कर देना. मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेरी एक ट्रांजैक्शन थी वो साल में एक ही हुई थी, मैंने वो उड़ा दी. सर इसको उड़ा नहीं सकते ना, उड़ा कर तो कर तो कुछ नहीं कर सकते, जान के कर दूंगा ताकि पता ना चले. रिकॉर्ड परचेज हुई थी 1 लाख की, मैंने 10 लाख की दिखा दी, ऑल्टर कर दी परचेज, दैट इज ऑल्टरिंग रिकॉर्ड. ठीक है, अब इसके बाद आता है, ध्यान से पढ़ेंगे गाइस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इन डेली लैंग्वेज सच स्कीम्स आर रेफर टू कुकिंग द बुक्स, अदर डिस्क्रिप्शंस आर क्रिएटिव अकाउंटिंग एंड अर्निंग मैनेजमेंट. सो क्रिएटिव अकाउंटिंग मतलब अपने हिसाब से पैसे घुमा दी, एंड अर्निंग मैनेजमेंट के पैसे कमाने के लिए मैंने चीजें घुमा दी. That is, ये terms दी हुई है. All these schemes, ध्यान से, all these schemes may or may not comply with the letter of standard accounting rules, but that are usually contrary to the spirit of these rules. मतलब चाहे ये rules तोड़े या ना तोड़े, लेकिन मकसद इनका यही होता है कि हमें rules follow नहीं करना. ये सारी चीजें बनी ही इसलिए हैं, ये terms जो हैं, कि हमें कुछ उल्टा करना है ताकि हमारे accounts better हो जाए. ठीक है? Ultimately, it is up to the court to decide whether a particular scheme is fraudulent, but hopefully the external auditor will have persuaded the directors of company against the fraudulent scheme long before it gets in court. वैसे तो court फैसला करता है, लेकिन अगर हमने external auditor appoint किए हुए हैं, उनका भी तो काम यही होता है कि fraud देखना. अगर मैंने specialized CA appoint किए हुए हैं, तो उनका purpose यही तो है कि ये fraud देखने. Sir, persuaded मतलब? Persuaded मतलब छुपा दिए. झूठ बोल के ऊपर जाके हो जाए. अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी झूठ बोलने से. ठीक है भाई, पहुंचा दे, पैसे कमाने, बिजनेसमैन तो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है.
हर बिजनेसमैन झूठ बोलते हैं, 100 की चीज जो 110 में भी बेच रहा है वो झूठ है, 100 की चीज लेके 101 में बेच, क्यों 110 में बेच? तुम शोरूम में जाते हो, ये सारा दो नंबर मैं इनको गलत मान लो, जो तुम शोरूम में जाते हो लिवाइस वगैरह में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है? 500-600 रुपए, कितने की बेचेंगे? 4,000-5,000। तो दिस इज सब झूठ, सब कुछ झूठ है, सब बेवकूफ बना रहे, ठीक है। चलो एनीवे, एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग आर विंडो ड्रेसिंग, डिलेइंग और एक्सीलरेटिंग कंपनी का एक्सपेंस। डिलेइंग मतलब या तो एक्सपेंस डिले कर दो, हो चुका है बट दिखाया नहीं है ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो, या फिर एक्सीलरेटिंग खर्चा बहुत ज्यादा दिखा दिया, हुआ है कम खर्चा दिखा दिया ज्यादा। एक सेकंड ब्रो, ऊपर से ना टेस्ट लिया और नीचे बैठ के कर लिया, ऊपर ही बैठ के कर लिया, ठीक है। मैंने ना सुन बात का पीछे जाओ, कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं क्लियर, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कौन अकाउंट के लिए कोई। चलो गाइस, अब एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या क्या हो सकते हैं? विंडो ड्रेसिंग, डिलेइंग और एक्सीलरेटिंग कंपनीज एक्सपेंसेस, इनएक्यूरेट रीवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज एसेट। मैंने दिखा दिया मेरी बिल्डिंग की वैल्यू आज के 100 करोड़ है कुछ नहीं, जानबूझ के दिखा दिया ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए और कंपनी को बड़ा लोन मिल जाए। मैनिपुलेटिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, के जो पैसे मेरे को आ रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन आज पैसे आए, सॉरी आज अगर मैंने सेल्स करी तो आज मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगा चाहे पैसे बाद में आए, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट। ये हमने पढ़े थे बीच में कांसेप्ट सर, तो सेल्स मतलब क्रेडिट तो कैश फ्लो रिकॉर्ड तो करेंगे सर। हां तो मैनिपुलेशन वही तो है कि मैंने करी नहीं रिकॉर्ड, अरे की नहीं रे, मैनिपुलेशन वही तो है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। लास्ट है ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग, कि मैंने बैलेंस शीट में टोटलिंग होता है उसमें कुछ गेम कर ली प्लस माइनस कुछ भी कर दिया, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में कुछ झूठ बोले मैंने और जो भी डिफरेंस आ गया वो कैश में दिखा दे कि ये कैश बैलेंस है मेरा, तो कैश बैलेंस कोई चेक थोड़ी करता है कि दिखा कर ले कितना कैश है, मैं तो घर से लाके डाल दूंगा कैश, किसको क्या पता बिजनेस का कैश का क्वेश्चन कैसे है। ये जैसे बैलेंस शीट को बना रहा है, बैलेंस शीट में पहले बच्चे क्या करते थे पता है, पुराने जमाने में जब बैलेंस शीट का टोटल ही मैच होता था ना वो डिफरेंस कैश में दिखा देते थे। आजकल कंपनी ये काम करती है, कंपनी ये काम करती है कि जो चीजें जैसे दिखानी दिखाओ, जो पैसा बच जाएगा वो कैश में डालो कि इतना कैश है, अगर कोई चेक करने आता है कैश में घर ले गया था कर ले आओ, कोई ये थोड़ी कि ऑफिस के कैश बॉक्स में ही इतना कैश होना चाहिए। सो दैट इज लाइक ऑफ बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। ये वही चीज है, एक चीज जैसे मतलब कंपनी को दो चीज करनी होती है, एक तो मतलब प्रॉफिट भी अच्छा दिखाना होता है और अपना टैक्स भी बचाना चाहती है, तो सर अगर प्रॉफिट ज्यादा अच्छा दिखेगी तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो सर वो मतलब कंपनी ऐसे क्या करेगी? अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स करने पड़ेगा, कोई रीजन नहीं, कोई तरीका नहीं कि बच सकता सर। मतलब कैसे डिसाइड करती है कि टैक्स ज्यादा पे करना है मतलब प्रॉफिट ज्यादा? कंपनी के ऊपर है ना, अगर बैंक से लोन लेना है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाने पड़ेंगे, अगर बैंक से लोन नहीं लेना तो जरूरी नहीं है तो हो सकता है कंपनी दिखा दे। तो लास्ट ईयर में आज में चाहिए जुड़ा नहीं, ठीक है। ये सारी पढ़ लेना डिटेल्स में, ये वही चीजें बताई हैं सब कुछ वही बताया हुआ है, पर पढ़ लेना थ्योरी कुछ खास नहीं है। अब आता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मींस सीधा सीधा मतलब ब्लैक का पैसा व्हाइट करना। मनी लॉन्ड्रिंग मींस काला धन सफेद करना, ब्लैक पैसा व्हाइट करना। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज द एक्सचेंज ऑफ डर्टी मनी एंड एसेट्स दैट हैव बीन क्रिमिनली ऑब्टेन्ड फॉर क्लीन मनी एंड एसेट्स that have no clear link to criminal activity, कि black पैसे को white करना is called money laundering, ठीक है? चलो इसलिए तो बताया कि black, ये तो पता चलते तो बंद दुनिया ना करती, अगर आपको पता चलते काला करके ऐसे सफेद करने हैं तो बंदा तो कहाँ देगा money, ठीक है? चलो while the term money is used in reality it can refer to any criminally obtained property including cash and टिपिकली मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन रेकग्नाइजेस थ्री मेन ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें तीन चीजें होती हैं जिसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। पहला क्या होता है? लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग मींस दिस वे इन्वॉल्व एक्वायरिंग यूजिंग और पोजेसिंग, ध्यान से सुनना गाइस सारे, दिस वे इन्वॉल्व एक्वायरिंग यूजिंग
or possessing criminal property, handling or being involved with criminal activity, investing in the proceeds of criminal activity or transferring criminal property. मतलब कोई क्रिमिनल के तरीके से मैंने कैश लिया, दैट इज ऑल्सो लॉन्ड्रिंग. उस पैसे को मैंने कहीं और लगा दिया बिजनेस में, दैट इज ऑल्सो लॉन्ड्रिंग. कोई प्रॉपर्टी मैंने ली क्रिमिनली, झूठ बोले किसी का मर्डर करके, और वो पैसा कहीं और लगा दिया, दैट इज लॉन्ड्रिंग. सो लॉन्ड्रिंग मींस क्रिमिनली ऑफेंस से उल्टे काम करके कोई भी कैश लेना या कोई भी एसेट लेके उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग. तो ये 14 साल की जेल होगी. हां, 14 साल की जेल होगी अगर पकड़ा गया. सर तो ये ब्लैक मनी होता है, जो कि ब्लैक मनी भी होता है, ब्लैक प्रॉपर्टी भी होता है. प्रॉपर्टी अगर काले तरीके से लिया, दैट इज ब्लैक प्रॉपर्टी. फेलियर टू रिपोर्ट, फेलिंग टू डिस्क्लोज प्रूफ और सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैन कैरी मैक्सिमम 5 प्रिजन टर्म एंड अलोंग विद फाइन. मतलब अगर मैंने मैं प्रूफ नहीं कर पाया कि पैसा कहां से आया. अब मेरे पास सोचो एक ब्रीफ के अंदर उसमें 100 करोड़ रुपए है, काश ऐसा हो, और कोई बंदा आए कि क्या पैसा, कोर्ट आए पैसा कहां से आया, है पैसा कहां से आया, क्या बोलूं, सड़क पे मिल गया था. जैसे मूवीज में देखे गाड़ी पे बंदा जा रहा था, वो देखे चला गया, थोड़ी कोर्ट में बोल सकते हो. तो कोई प्रूफ चाहिए ना कि पैसा कहां से आया, वरना तो उठा के ले देंगे, क्या पता हाथ को आया होना लगा. ठीक है, सो वो चीज होती है फेलियर टू रिपोर्ट. ये चीज कहां से आई, उसमें भी प्रिजन हमारे को 5 साल की जेल हो सकती है. तीसरा टिपिंग ऑफ. टिपिंग ऑफ क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे प्रेजुडिस अ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन कैरीज अ मैक्सिमम 2 ईयर प्रिजन. कि अगर मैंने कुछ जुगाड़बाजी से उसको खत्म करने की बात करी, जुगाड़बाजी से मतलब कि वो आया बंदा इन्वेस्टिगेट करने, यार ये देख 500 करोड़ है, तू करोड़ रुपए ले ले, चल करोड़ कम लग रहे, 10 करोड़ ले ले, चल निकल ले अपना. सो वो भी एक फ्रॉड होता है, वो भी हमारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, एंड उसमें भी 2 साल की जेल होगी. ठीक है, रिश्वत की तरह. हाँ, रिश्वत की तरह. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ नॉर्मली फॉलोज 3 distinct things. मनी लॉन्ड्रिंग 3 distinct things होते हैं. पहला होता है प्लेसमेंट, दिस रेफर्स टू फेजेस, मतलब स्टेप्स, 3 steps होते हैं. तो पहला स्टेप होगा, this refers to the placing of illegally obtained cash into business. ke pehle maine jo black money aayi thi usko business mein dala, that is my placement. layering, this relates to transfer of money between businesses and different locations in order to conceal their original source. jaise kya hota hai black money ko karne ka tarika, jaise for example tumhare paas 100 crore rupaye hai, theek hai, 100 crore kaafi hoga, 1 crore rupaye. तुमने क्या किया, किसी गांव के एक गरीब आदमी को बोला कि अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा दो, उसको जीने मरने से कोई परवाह नहीं, उसको कोई परवाह नहीं है जीने मरने से, अपना रोज रात को पौवा भी क्या आता है, पड़ जाता है, कोई भी आए डंडे मार दो, 10 बार तो दिए जाते हो, कोई फर्क नहीं. तुमने उसको बोला कि यार 1 करोड़ रुपए मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तू ये पैसे अपने बैंक में जमा कर ले, वो कर लेगा. और उसको बोला कि नेट बैंकिंग ऑन कर ले, अपनी नेट बैंकिंग का पासवर्ड मेरे को दे दे, उसे दे दिया. उसकी नेट बैंकिंग से वो पैसा मैंने किसी और बैंक में ट्रांसफर किया, उस बंदे को बोला, उसको भी मैंने कहा कि तू 50,000 ले, करूंगा सब कुछ मैं, बैठे बिठाए 50,000 मिलेंगे, उसको बोला कि तू उसके अकाउंट में जमा करा दे, फिर उसके अकाउंट में, फिर उससे तू ये परचेज कर ले, फिर वो परचेज इसको बेच दे, इसको बेच के ये पैसा, ऐसे मैंने घुमा दिया पैसा कि आया पैसा घूम के मेरे पास, लेकिन वो इतने सोर्सेज से आया कि मैं पकड़ ही ना पाऊं कहां से आया. तो पहला तो पैसा बिजनेस में आया, ऐसे घुमा के मैंने उस पैसे को वायर कर दिया, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग. सो दैट इज वायरिंग मनी बिटवीन बैंक टू मेक इट्स ओरिजिनल सोर्स हार्डर टू ट्रेस. सर कंसील मतलब छुपाना, कंसील मतलब छुपाना. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. समझ आ गया सबको लेयरिंग, कोई डाउट किसी को, या और डिटेल में पढ़ना है. तो बैंक पकड़ता नहीं है ब्लैक को, कैसे पकड़ेगा, इतने सारे लोगों के पास, मतलब बैंक को उसने 1 करोड़ रुपए जमा कराए, 1 करोड़ उसके अकाउंट में चले गए, बैंक ये थोड़ी मना कर देगा, वो तो बैठे बैठे देगा, हाँ दे, जमा हो गए, बाद में बैंक अपना बंदा भेज सकता है, पैसे कहां से आए मेरे को नहीं पता, पैसे वो तो शराबी है, पौवा पी के बैठा हो, अकाउंट में पैसे, भाई पैसे कहां चले, उस अकाउंट में, उसको बोला भाई पैसे रहे, वो नहीं शराबी ने, मैंने शराबी का काम किया था, इसके बाल काटे थे 1 करोड़ रुपए, इसके 1 करोड़ रुपए के बाल काटे थे, मैं देखो कितना सही है, या मेरे से लेके गया था ये माल, देखिए बिल भी बना दिया पर्ची, शराब शराबी को क्या है भाई, बिल पड़ा ले लो ठीक है, ऐसे करके पैसे घुमा दिए, फिर उस पैसे से अमेज़न से कुछ परचेज कर लिया, गाड़ी परचेज कर दी, गाड़ी परचेज करके वो गाड़ी मैंने किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी,
फिर कैश आ गया उस बंदे के पास, फिर वो कैश से कोई और एसेट लिया, फिर कोई बिल्डिंग ले ली, फिर वो बेच दिया, ऐसे करपो के एंड में पैसा मैंने वाइट करा लिया, ठीक है ना। फिर उस बंदे से मैंने लोन ले लिया कि मेरे को लोन दे दे, बंदा भी अपने नाम में अभी बैंक में जब पैसे जमा करते हैं ना तो उनसे प्रूफ मांगा जाता है, मांग लो वो कैश में। पहले ऐसे ही होता था जब पैसे कैश में रहते थे बैंक में तो वो बिना कुछ पूछे कर देते थे, लेकिन अभी इंक्वायरी करते हैं कि पैसे किस साइड से आया है, आपने जॉब किया है, बिजनेस किया है, किस साइड से आया है। हां मैं तो कह रहा हूं बंदा कुछ भी बोल दे, और वेयर बना सकते हैं उसके लिए भी, लेकिन थोड़ा सा इंक्वायरी के काम की। वो तो मैं मान, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है पूरे इंडिया में जो ये चीज रोकता है, तो उसके लिए तो बहुत चीजें हैं। मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इट्स प्रैक्टिकली मत सोचोगे कैसे करोगे। सर उसकी अगर मतलब बैंक में जा रहे हैं करोड़ रुपए लेने हैं, जो बंदा ले रहा है उसके पूरे घुस दे तो वो बिल बोल देता। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली मत सोचोगे तुम्हें करना है। मैं तुम्हारे को गाइड, मेरा मकसद ये है कि तुम्हें बस ये समझ आ जाए, दैट्स इट। डिटेल में जाओगे तो हो लिया हमारा चैप्टर है, पर सिलेबस हो गया। समझो बस मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, दैट्स इट। बिहेव लाइक अ स्टूडेंट नॉट लाइक अ सर। वैसे मेरे को करना ही है। हां मैंने एक बार जारी किया है, चलो दैट्स वेरी गुड, करो ठीक है। चलो अब आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, आफ्टर लेयरिंग मनी नाउ अपीयर्स टू हैव कम फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। अब लेयरिंग के बाद जब पैसा मेरे पास आया वो दिख रहा है कि सही सोर्स से आया, दैट इज माय जो मैंने ब्लैक को व्हाइट कर दिया। ये एग्जाम था इकट्ठे में आ रहा है मतलब सर, जैसे मर्जी है इकट्ठे में है टुकड़ों में जैसे मर्जी सर। ये इकट्ठे जो वो हो गया सर, ठीक। तू कहां पे है भाई, तू वहां पे पहुंच गया, आगे नहीं पढ़ा। नहीं सर आगे समझ में आ गया, वो आप पूरा समझा रहे थे, बीच में रोक देगा। टिपिंग ऑफ को मतलब होता है कि भाई मैंने रिश्वत लेके अपना वो छुपा लिया, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन करने बंदा आया था मैं उसको पैसे दे दिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे। कितना बड़ी एग्जांपल दिया। चलो एनीवे सर ये टॉपिक छोड़ दो, आगे के लिए सिंपल रीडिंग है, प्लेन रीडिंग। अब आता है द कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ विल ऑफन इंक्लूड अमंग अदर, कि कौन-कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से हाउ अ फ्रॉड कैन बी ट्रेस्ड, कैसे हम एक फ्रॉड को ट्रेस कर सकते हैं। मुझे एक सेकंड दो बस, और
नहीं वो बस काम कर रहा है ना तो बीएससी में काम कर रहा है हां एमबीए का पापड़ है और तरीके देखिए कई बार लेडी आती है कि मेरा बच्चा हो गया है
मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, मेरा बच्चा वहां पे है, वहां जाने के पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे को पैसे दो, कोई बंदा है किसी ने मेरा हाँ आधार कार्ड, किसी ने मेरा पर्स मांग लिया है, कुछ है आजकल एक नया ट्रेंड है फिर बाद में दोस्त बताएंगे कि ऐसे ही होते हैं हमारे साथ भी बहुत पर्व है वो पंजाब के तुम्हारी एक रुपए के लेवल एक दिन भिखारी में रुपए मेरे मुंह पे मारा उसने मैंने ऊपर के इतने चपेटे मारे उसको रोड पे लिटरली सारे देख रहे थे पागल हो गए तो मतलब लिटरली मैंने उसको दिया मैं ले लूंगा मैं उतर के जो चपेटे मारे उसको मैं तेरी होगा चपेटे खाने के लिए तो पुलिस वाले भी आए थे काफी बहस होगी मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर एक भिखारी है उसको एक रुपए में दो भी खुश रहेगा एक दिन मैं एक बंदे से मिला था ऐसे और उस बंदे को मैं लिटरली मैं बता दूं कब की बात है मेरे को पता नहीं दिल्ली की पंजाब की बात है दिल्ली की बात है मुझे शायद चंडीगढ़ की बात है एक भिखारी आया उसको भीख मांगने आया गाड़ी में तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं है कहता कोई बात नहीं मैंने देखो मैंने कहा मैंने ऐसे बोला मजाक मजाक की मैंने मजाक से बोला देखो पैसे तो है नहीं कि आप मांगो कुछ भी नहीं मैं कहा मैं खुद घर जा रहा हूँ कहे जब कुछ भी हो भगवान तेरा फिर भी मना करे वो चला गया मतलब ऐसा वो मुझे बंदा लगा सही जेन्युइन मैं वापस गाड़ी से उतरा मैंने उसको 20 रुपए दिए और उसने कुछ नहीं बोला चुपचाप लेके चला गया ऐसे बंदे हो और ये ऐसे बंदे मिलते नहीं बहुत रेयर होते हैं चिपक गया था इसमें मित्र दे दो जैसे वो तो अलग है हां ये वो तो अलग है बस अभी अभी 3 दिन पहले दिल्ली में आया था मेरा भाई जा रहा था तो तुमको पता है बोनेट में बैठ गया चक्का एक से आ गया ना क्या क्या हां हां ऐसे नहीं क्या है भाई क्यों कहां लिखा है ये भी तो कहते हैं कुछ कह देते हैं क्या है? अच्छा है। ये रियल थोड़ी होते हैं तुम्हें पता है जैसे कहते हैं ना जैसे मुसलमान का होता है हिंदुओं का होता है सबकी ईमान होते हैं ना ऐसे इनका भी ईमान होता है ईमान तुम किसी भी जो तुम्हें एक बात बताऊं कभी देखना जो शादियों का होते हैं उनसे असली पूछना वो कह रहा हमारी इसमें कभी भीख नहीं मांगते कभी हमारी कोई कौम भीख नहीं मांगते ये जो है ये सारे नकली बने हुए ये सारे नकली है ये चीज होगी अब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं मतलब ये उसमें नहीं है डीजल में मत जाना जैसे सरदार है सरदारों में कोई ऐसे काम नहीं करता कोई भी ऐसे काम नहीं करता तुम पंजाब में कोई बंदा करवाई है उसको मारते हैं लेकिन साउथ में बहुत सरदार हैं काम करते क्योंकि वो सरदार नहीं है वो नकली है वो नकली लगा के बैठे होते हैं बहुत मारते हैं कि तुम कौन का नाम खराब करा और होता है तो ऐसे ही इनको भी ये सारे फ्रॉड होते हैं इनको काम बंदा कुछ है नहीं इनको होता है बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज करा के ठीक है पैसे मांगो पैसे मिलते हैं कौन रोक है और ये आते भी ऐसे किस चीज के सर ये तो 200 में मांगते हैं नहीं नहीं गाड़ी वालों को तो उनको तो ना भी तो मैं तो मतलब तुम्हारे को मांगे मतलब हाथ जोड़ लो भैया हमारे पास हम गरीब लोग हैं सर ये तो जैसे आप 50 रुपए दिए ना तो वो बोल रहे हैं नहीं बेटी मैंने तुम्हें इतना आशीर्वाद दिया 50 रुपए का क्या वो शक्ल देख वो शक्ल में जाते हैं अगर तू पता है तुम देखने में बड़ी वो क्यूट सी हो गोली सी हो तो तुम देखते हाँ भी करेंगे मेरे जैसा कमीना मिल जाए तो ये तो पंगी ना हो ये वो देख के करते हैं जैसे इलाम के पास जाएगा वो डर ही जाएगा तो ये किसी भी बहुत पड़ता है बहुत चालाक होते हैं तुम कभी भी देख रहे हैं छोटे तो बच्चा हुआ गुब्बारा लेके जा रहा होगा मेरे अकेले के पास नहीं आएगा लेकिन मेरे साथ मेरी वाइफ जाएगी ना भागा भागा जाए लो गुब्बारा ले लो ये लो गुब्बारा दिल वाला गुब्बारा ले लो मैं अकेला जा रहा हूँ ना पूछेगा भी नहीं कि छोड़ जाएगा कल आएगा घूमने लेकिन जिसको मजबूरी होगी वो मेरे पास भी आए कि प्लीज ले लो मेरे को पैसे चाहिए वो उसके पास जाएगा कि वो पहले ला देगी ये तरीके होंगे चलो आई गए कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग से कहाँ गई वो भी पहुंची उसने कमेंट भी मारा कि मेरे बच्चे फ्रेंड्स मिलके देखते हैं वीडियो से सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग यहां बोल रहे हैं यहां पे पेपर वगैरह खाया आता है यहां पे पेपर करके अफगानिस्तान में पेपर दे रहे हो नहीं चलो
तुम्हारा नहीं ये मैंने जो क्वेश्चन भेजा ना व्हाट्सएप पे है वो सारे वो सारे ना इसमें मार्क कर दें और सिर्फ वही करें ठीक है और ऑप्शन वाले बोलते कोई दो ऑप्शन रखना है बोलो टाइम इज 1.5 आवर्स एंड 40 मार्क्स पे चलो गाइस बातें नहीं गाइस अब आता है the controls and procedures required by law will often include among others कि how a fraud can be traced हम एक fraud को trace कैसे कर सकते हैं identification of large and unusual transactions कि अगर कोई business में बड़े मोटे amount ही और normal business से अलग transaction हो रही है जैसे मेरा online sale purchase का काम है और मेरी में हर रोज 1 लाख का cash deposit हो रहा है that means कुछ ये अलग चीज लग रही है मेरे को unusual सी चीज लग रही है So, वहां से मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूं देख सकता हूं स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन कि वैसे मेरी हर साल ऐसे होती है हर महीने ऐसे होती है इस महीने सैलरी में हर महीने पे करता हूं 2-2 लाख ये एक महीने में 30 लाख सैलरी कहां से आ गई भाई हर महीने 2-2 लाख है एक महीने में 30 लाख सैलरी आ गई दैट इज स्क्रूटिनाइजिंग द अनयूजुअल पैटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन पता लगाना चेक करना टेकिंग स्टेप टू एंश्योर All customers can be identified. मतलब अब customer मतलब जिनसे मेरे को पैसे आने debtors. मैंने 100 debtors बनाया हुआ है पैसे आने 2-3 बंदों से या 2-3 तो ज़्यादा बोल कम बोल गया 100 बंदों में से 90 से पैसे आने 10 मैंने फर्जी बनाया हुआ फर्जी क्यों बनाया हुआ ताकि बाद में इनको bad debts दिखा दूँ और अपने खर्चे कम कर दूँ सो सारे कस्टमर से बात करना कि आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए अब मैंने हर कस्टमर से बात करके पैसे दे दी हाँ मैंने दे दी मेरी बुक में तो आपका नाम दिखा रहा है कि पैसे आ रहे हैं आपने कब पैसे दिए वो राजू आया था ना घर पे उसको दे दिए मैंने पैसे अच्छा उसको पैसे दे दिए आपने दैट मींस फ्रॉड कर गया था पैसे वो ले गया और बुक्स में से नहीं हटाया दैट इज टेकिंग स्टेप टू एंश्योर ऑल कस्टमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड क्रिएशन ऑफ द रोल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर मैंने ऑफिस में एक बंदा रख दिया मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि ये चीज ना हो सर ये रिपोर्टिंग ऑफिसर कर सकते हैं वो तो रिश्वत तो हो ही सकती है वो तो फिर सिचुएशन तो कहीं भी कुछ भी क्रिएट होगा हर कम होती है इंडिया में कुछ ज्यादा होती है कुछ नहीं पता नहीं हर कट्टे का अच्छा होता है यू नेवर नो हम कहते हैं इंडिया में ज्यादा होती है बट ऐसा कुछ नहीं कि बाहर की बात होगा ठीक है चलो एनीवेज नॉट गेट वी विल नॉट गेट टू दैट अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इसका मतलब क्या होता है दिस इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग टू एंश्योर दैट इट्स कस्टमर्स आर हु दे क्लेम टू बी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कस्टमर वही है जिनसे हमें पैसे लेने हैं फर्जी कस्टमर्स नहीं ये वही पॉइंट है दिस इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग टू एंश्योर दैट इट्स कस्टमर आर हु दे क्लेम टू बी के वही है फॉर इंडिविजुअल्स दिस वुड इन्वॉल्व चेकिंग देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सच एज देयर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दिस ड्यू डिलीजेंस टू अंडरटेक एज अ मिनिमम ये कब कब चाहिए होगा देखो गाइस पहला When establishing a new business relationship, that is first time a customer is dealt with. जब first time तुम्हारा customer dealt हो गई, तो हमेशा तुम्हें उसका passport आधार लेना चाहिए, ताकि वो बंदा genuine हो। ऐसा ना हो कि नाम अलग बता रहा है, detail अलग दे रहा है, बंदा कुछ और है। दूसरा, when dealing with an occasional transaction of इतने euros, this is a big amount. Euro 15,000 euros is a big amount. तो यानी कहता 15 lakh rupees. तो इतने बड़े ट्रांजेक्शन की जब तुम डीलिंग कर रहे हो तो कि चाहे तुम एक ही बंदे के साथ दोबारा डील करो फिर भी उससे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी दोबारा से मुझे अपना आधार कार्ड और वो दे ठीक है उसके बाद व्हेन मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेररिज्म इज सस्पेक्टेड कि अगर हमें लग रहा है कि कुछ भी टेररिज्म हुआ है कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तब भी हमारे को ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डाउट अबाउट एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एज ये काम करो ये पॉइंट छोड़ दो तुम सारे सर इसमें एक क्वेश्चन यहां से आया इस पे आया क्वेश्चन उस पे नहीं इस पे आया क्वेश्चन हां ये वाला क्वेश्चन वो इस पे आया श्योर अंडरस्टैंडिंग की वो इस पे आया ठीक है सो देखो इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस हैज अ डिफाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर एनी सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग कि अगर कुछ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो हमारे पास एक जगह हो जहां पे उसको रिपोर्ट कर सके जैसे कंपनी के अंदर एक बंदे ने गलत काम किया दूसरे ने पकड़ लिया तो दूसरा किसको जाके रिपोर्ट करेगा कि उस बंदे ने गलत काम किया काइंड ऑफ वो चीज कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस हैज ए डिफाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस
फॉर एनी सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे एम्प्लॉय रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी टू एमएलआर, एमएलआर वाज मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। मेरे में नॉमिनेटेड ऑफिसर, नॉमिनेटेड ऑफिसर रिपोर्टिंग है, तेरे में रिपोर्टिंग है नॉमिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग है, दिखाई, ये कह रहे हो सर? सर ये कुछ और ये लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं अच्छा तेरी ये बुक थोड़ी पुरानी है, ये नहीं बुक है, मैंने व्हाट्सएप भेजी करें ना तेरे में है वहाँ पे। चलो गाइस हाँ एमएलआरओ है उसमें एमएलआरओ करते हैं, ठीक है। सो क्या होगा इस केस में गाइस, एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटी टू मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, द मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट फर्दर, फिर आगे इन्वेस्टिगेट करेगा। इफ देयर आर ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल सस्पिशन द एमएलआरओ शुड रिपोर्ट टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। पहले क्या होगा, एम्प्लॉय एमएलआरओ को बताएगा, एमएलआरओ खुद चेक करेगा, और अगर उसको लगा कि सच्ची में फ्रॉड हुए हैं तो जो भी अथॉरिटी है उन सबको ये बात बताएगा कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है। चलो अभी तो सेशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर, बैंक एम्प्लॉई बिकेम सस्पिशियस ऑफ अ कस्टमर हु हैज मेड सेवरल लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कैश इनटू देयर अकाउंट, ही इज कंसर्न्ड they may be money laundering, they may be laundering money, who should this report be suspected to? MLR sir, the police ho sakta hai, the police, kyunki sir ye bank hai na aapke, to agar inko pata chalta hai koi banda money laundering kar raha hai to ye money laundering reporting officer ko contact nahi kar sakte, ये ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, नहीं ये तो धीमे करेंगे क्योंकि ये फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर तब पुलिस के पास आएगा एक बार चेक करो, चेक करो सर, बता दो क्योंकि उसके बारे में पढ़ कर दिया था, क्योंकि उसके बारे में ही पढ़ा है, सिंपल अभी तो पढ़ा, मैं वही सोच रहा था कि तुमने क्या सोच के चल रही है, हमने अभी ये चीज पढ़ी है कि अगर कुछ भी रिपोर्ट हो एमएलआर को इन्फॉर्म करेगा, सबसे पहला पॉइंट ही होता है, लॉजिक्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूं कि वो बैंक है वो कस्टमर, you are talking bank का employee बोल रहा है कि customer इतना cash deposit करा रहा है, जो भी हो लेकिन पहले वो MLRO is not company, MLRO is authority, it is an authority, banks में MLRO नहीं होता, banks में नहीं होगा वो, MLRO जो बाहर है कब, MLRO company का नहीं है, MLRO is like police investigate करी, ऐसी MLRO जो मनी लॉन्ड्रिंग देखता है वो अथॉरिटी देगी, अथॉरिटी को मैंने बताया कि मेरा ये कस्टमर है इसमें इतनी एक्टिविटीज हो रही हैं तो ये एक्टिविटी आप जाके पकड़ो, फिर वो ट्रेस करेगा, ठीक है। चलो गाइस नहीं कितना रहे, एक दो तीन सेवनटीन, ये तो ग्रुप है सर, ये तो पढ़ना ही, दो ढाई पेज रहेंगे साहब, थोड़ी करने वाले बोलो, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें अगर यकीन नहीं होता ना, honestly I'm not kidding, if you feel that I'm kidding, तो जो 11th वाला बच्चा था, 12th वाला बच्चा था, उससे पूछना जिन्होंने पेपर क्लियर किए, उनको मैंने एक ही दिन में दो चैप्टर कराए, ढाई घंटे में दो चैप्टर उसके लिए, मैं करा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्कर पता है एक्चुअली क्या है कि तुम थोड़ा सा व्हाट यू डू, तुम खो जाते हो चीजों, तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखते, तुम्हें बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है कि तुम्हें रियल लाइफ में काम करने, मतलब है कि पेपर में तुम्हें वहां केस स्टडी नहीं आएगी तुम्हें कि पुलिस वाले ने ऐसा करा ये करा, तुम्हें मतलब बताना चाहिए हर चीज का, तो मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूं, अगर तुम्हें मतलब समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझसे पूछो, लेकिन व्हेन यू गो इनटू दैट डिटेल कि ऐसा है ये है वो है, वहां पे चैप्टर लगा होता है, उनको मैं बताऊं सही बताऊं, उनको मैंने सिर्फ हेडिंग बताई थी, जो भी टॉपिक होता था ना उनको हेडिंग बताता था, अंदर तुम्हें पढ़ता ही था, मैं तो तुम्हें जो चीज नहीं समझ आ रही हेडिंग समझाया पांचों पद, और उनको समझ भी आता था कि उनको पता है पेपर में सिर्फ मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या वहां पे केस स्टडी नहीं आने वाली है, सो मैं चाहता हूँ वो चीज करना, मैंने पहले भी कहा था बट तुम्हारे साथ वो चीज हो नहीं पा रही, चलो यही लग जाए फटाफट से आएगा फिर, पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रॉड टू अ कंपनी, फ्रॉड से कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं,
पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ फ्रॉड टू कंपनी के फ्रॉड से कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. पहला लॉस ऑफ शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस, कि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस खत्म होगा कंपनी के लिए. लॉस ऑफ एसेट, एसेट का नुकसान हो सकता है. कैश का नुकसान हो सकता है. फाइनेंशियल डिफिकल्टी, पैसे की कमी हो सकती है, हो सकता है बैंक ना लोन दे. कोलैप्स ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो सकती है. और फाइन बाय टैक्स एंड अदर बॉडीज, अदर बॉडीज टैक्स और फाइन पेनल्टी लगा सकते हैं अगर हम फ्रॉड करेंगे. जनरल इसके बाद ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है. अब आते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड. हम फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. ये सेम पॉइंट्स हमारे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कंट्रोल्स के, वही है एग्जैक्टली. वही है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वही है सब कुछ. इसी तरीके से फ्रॉड भी तभी बचेगा ना. गलतियां भी ऐसे बचेगी, इंटरनल कंट्रोल सही होगा, फ्रॉड भी ऐसे ही बचेगा. ठीक है, सेम वही चीज है. अब इसमें सेम वही चीज बताई है. देखो इसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट में अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द कंपनी. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंपनी इंप्लॉयज आईटी एक्सपर्ट हु कैन एडवाइस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस. इंफॉर्मेशन सिस्टम, मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स आर सबमिटेड टू सीनियर मैनेजमेंट सो दैट दे कैन मॉनिटर कंपनी परफॉर्मेंस ऑन टाइमली बेसिस. कि जो भी हमारी अकाउंटिंग हो रही है वो सीनियर बंदा बार बार चेक कर रहे हैं सही हो रही है कि नहीं हो रही. सेम वही चीज हमने ऊपर पढ़ी. कंट्रोल एक्टिविटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज एनफोर्स्ड इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हर बंदे की अलग अलग ड्यूटीज दी हुई है. जैसे वहां पढ़ा था सारा काम एक बंदा नहीं करेगा, एक पैसे लेगा, दूसरा चेक करेगा, तीसरा जमा कराएगा, वही चीज है सारा. तो सर डिटेक्टिव कंट्रोल में आना चाहिए. हां डिटेक्टिव कंट्रोल में आना, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का. डिटेक्टिव में थोड़ी प्रिवेंटिव में आएगा भाई. ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड. के मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी होती है फ्रॉड को डिटेक्ट या प्रिवेंट करने की. पहला होता है ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इनकी क्या ड्यूटी होती है टू मेंटेन साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक इंटरनल कंट्रोल का अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि ऐसे फ्रॉड ना हो. ड्यूटीज ऑफ द ऑडिट कमेटी टू मॉनिटर एंड रिव्यू इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क, ताकि जो रिस्क बने हुए हैं या इंटरनल कंट्रोल बने वो सही चल रहे हैं कि नहीं. अब उसने तो अपना काम कर दिया कंट्रोल बना के, तो एक कमेटी चेक करेगी कि वो कंट्रोल सही चल रहे हैं कि नहीं. क्या होगा ठीक है. थर्ड ड्यूटीज ऑफ इंप्लॉइज. जनरली इंप्लॉइज की ड्यूटी क्या होगी, विल इंक्लूड फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन. वो खुद फ्रॉड नहीं करेंगे या उस चीज को कम करेंगे कि फ्रॉड ना हो और गलतियां ना हो. ठीक है, और यहां हमारा चैप्टर होता है खत्म. सर एक कोई डाउट होता है बोलो. सर जो जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर को या यू कैन से एनटीटीज को. इंटरनल ऑडिट के अंदर तो हो सकता है इन्वेंटरी का बंदा हो स्पेशलिस्ट, वो सीए नहीं हो सकता. फाइनेंशियल ऑडिटर जो होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं, वो हो सकते हैं सीए या सीसीए या सीएस या सीएम, वो चीज. ठीक है, चलो भाई चैप्टर करा दूं फटाफट से क्वेश्चन करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रॉड. फ्रॉड के अंदर कौन सी चीज नहीं होती, किस चीज की वजह से फ्रॉड नहीं हो सकता. D aiming to gain as result of fraud. किसने बोला D? अनुनी. भाई ये तो fraud में पहले क्या fraud करता ही बंदा इसलिए ताकि मेरे को कुछ मिले. Sir, B. तूने D बोला था ना? Answer is B. Collision between two or more. दो बंदों के बीच में लड़ाई होगी, इसमें तो ये थोड़े कि वो fraud करेगा. वो तो मर्डर करेगा, फ्रॉड थोड़ी करेगा. सर अगर उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई तो फ्रॉड करेगा.
कहाँ जा रहा है भाई, कौन से डिपार्टमेंट में है? ठीक है चलो भाई, क्या पूछा था सपोज? कॉलेज अच्छा समझ आ गया, कॉलेज मतलब लड़ाई। आंसर नंबर 8 गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सी चीज हमें बताएगी कि फ्रॉड हो सकता है? डी यस, सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये तो हम कॉम्प्लेक्स वाले में पक्का होता है, सिंपल में नहीं होता। एम्प्लॉइज हु टेक रेगुलर हॉलीडेज, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन जो बंदा छुट्टी नहीं लेता उसमें होगा। हाई स्टाफ मोरल, मोरल इतना हाई है तो वो तो कभी नहीं करेगा। एम्प्लॉई बोनस बेस्ड ऑन सेल्स, ये कर सकते हैं कि सेल्स ज्यादा दिखा दे देखो बोनस ज्यादा मिलेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड इज नॉट कैरीड आउट बाय थर्ड पार्टी? नॉट कौन सा? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग तो कंपनी खुद करती है, विंडो ड्रेसिंग इज डन बाय कंपनी ओनली। ठीक है गुड, अंडरस्टैंडिंग 10, why would the auditor be interested in examining large sales return? Credit note means sale return. Why would auditors be interested in examining large sales return issue at the start of financial year? मुझे सारे आंसर बताओ फिर मैं चाहे बताऊं आंसर सही कौन सा? सेल्स रिटर्न। बी पक्का बताओ। कुंजल कह रहे सी और राशि कह रही है बी। नहीं एक आंसर बताओ, ओके नहीं माने एक उसमें ऑप्शन एक ही सिलेक्ट हो सकता है, दो ऑप्शन नहीं हो, एक आंसर बताओ। चलो सिंह का तो हो गया सर, क्वेश्चन बी, एक और बी, क्या तुम्हारा नाम क्या? सॉरी अमन, अमन कह रहे बी, कोई बात नहीं सर, रुको सर भी दे नहीं क्वेश्चन से है क्वेश्चन ही करते हैं नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि जो सेल रिटर्न आता है ना वो फर्स्ट ईयर में नहीं आता, एंड ऑफ ईयर ना। हां तो ये स्टार्टअप ईयर बोल रहे हैं, क्यों नहीं आ सकता? पहले अभी सेल करिए साथ ही रिटर्न हो गए। अगर मैं अभी किसी को सेल कर रहा हूं स्टार्टिंग के साल में, ये थोड़े साल के अंदर वो रिटर्न करेगा, तो मैं Amazon से अभी कुछ परचेस कर, लेकिन जो ऑडिटर्स ऑर्डर करते हैं ना वो भी साल के एंड में करते हैं। ऑडिट साल के एंड में होता है, लेकिन क्रेडिट नोट इशूड इन द स्टार्ट ऑफ ईयर के फाइनेंशियल की स्टार्टिंग में क्रेडिट नोट इशू हो वो तो कभी भी हो सकता है ना। सी रुफुस, अमन क्या सी? ठीक है सी, तो क्रैश केसेस तो होते हैं, अमन ने सी होगा, रुफुस का ये नेक्स्ट लेवल डी सर, डी है मेरा भी, मेरा डी है, मेरा भी एलम का डी, और पूरा तुम्हारा किसके साथ दवाई ली है? तुम्हारा बी है, अच्छा बी तो सॉरी है ना, पूरा तुम बताओ। मेरा कोई बी नहीं है, तुम्हें पता है आते ही है। तुक्का तो मारो, तुक्का वाला था क्या है? एक तुक्का मारो, बी वर्ड का मॉडल डी डी खिलाड़ी का नंबर वही। चलो अब एक बार आगे देखते हैं, दे मे सजेस्ट परचेज आर बीइंग मिस्टेक, सेल्स रिटर्न का पहली बार परचेज से तो कोई लिंक ही नहीं होता, सो दैट मींस डी तो हो ही नहीं सकता। सेल्स रिटर्न का परचेज से क्या लिंक है? वही बोल रही हूं, तो पहला कस्टमर ने परचेज किया ना, हैं कस्टमर ने हमारे भाई हमारे लिए थोड़ी परचेज है, वो हमारे लिए सेल्स ही ना, तो ये तो वही कैंसिल हो गया। दे मे सजेस्ट नॉन करंट एसेट बीइंग स्टोलन, ये कह सकते हैं नॉन करंट एसेट बीइंग स्टोलन कि नॉन करंट एसेट हमारे स्टोर हो चुके थे, लेकिन जब सेल्स रिटर्न हमें आता है तो नॉन करंट एसेट तो आते हैं, स्टॉक इंक्रीज होता है, अगर स्टोलन होता है दैट मींस स्टॉक गया है, तो हम परचेज रिटर्न दिखा सकते हैं, तो काइंड ऑफ ए भी मुझे नहीं लगता, मैं अपना पर्सनल परसेप्ट बता। अब बचे दो बी और सी, दे मे सजेस्ट विंडो ड्रेसिंग फॉर सेल्स, तो बहुत ही जनरल है कि सेल्स में कपड़े चल रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग फॉर सेल्स सेल्स में कपड़े चल रहे हैं। सी दे मे सजेस्ट कैश इज बीइंग स्टोलन, अगर सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न मतलब हम कैश वापस करेंगे, तो हो सकता है कैश भी हमारा स्टोर हो,
दे मे सजेस्ट कि कंपनी से कुछ कैश गया पर सर ये तो बोल रहा है क्रेडिट नोट्स क्रेडिट नोट का मतलब सेल लेटर होती है लेकिन पॉइंट ये है कि अगर क्रेडिट नोट आया है ठीक है दैट मींस स्टॉक भी आया और स्टॉक अगर आया है तभी कैश गया सो मेरे हिसाब से आंसर शुड बी बी ये बार पीछे देखना आंसर है बी बी है आंसर इज बी सी नहीं आ सकता सी का एक और लॉजिक क्या हो सकता है देखो कैश कब स्टोर होगा जब हम कुछ गमले करेंगे अगर सेल रिटर्न करा है दैट मींस बिल है हमारे पास और वैसे भी सेल रिटर्न तो क्रेडिट पे भी हो सकता है जरूरी थोड़ी है सेल रिटर्न कैश पे हो क्रेडिट सेल रिटर्न भी हो सकता है अब क्रेडिट सेल रिटर्न हो तो कैश देना ही पड़ेगा सो ये हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर बता रहा है कि दे में सजेस्ट विंडो ड्रेसिंग फॉर सेल सेल्स में गमले चल रहे हैं तो जनरल आंसर भी यही बनता है हमारा तो आंसर शुड बी अगर तुम डायरेक्ट कैसे ना निकाल पाओ आंसर तो के भी यूज करो अभी आप बच्चे पिछले साल 31 मार्च को कंपनी ने प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाने थे तो फर्जी सेल्स दिखा दी 31 मार्च को फर्जी सेल्स दिखा दी तो 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करी बहुत सारे प्रॉफिट हो गया अगले साल 1 अप्रैल को सारी सेल्स रिटर्न कर दे फर्जी सेल्स दिखा के सारी सेल्स रिटर्न कर दैट मींस सारी सेल्स वापस होगी अब एक्चुअल सेल तो हुई नहीं लेकिन अकाउंट्स में ये दिख गया कि बहुत सेल हुई ये होते हैं कंपनी ये प्रॉफिट देना पड़ेगा हां तो टैक्स देते हैं कंपनी को कंपनी क्या है टैक्स देने के लिए उसको तो प्रॉफिट दिखाना जरूरत था वो चीज ये था इसमें लॉजिक ठीक है चलो नेक्स्ट 11 B. Who is primarily responsible for prevention detection? B. B. Primarily one of the entire board of directors. 12. An internal control which is required by law can be excluded from implemented in a company if the expected cost of operating the control exceeds the expected benefit of control. Question. Question समझते हैं question कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको ये चीज करनी है तो आप वो चीज तब नहीं करोगे जब उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और क्यों अगर कहा है कि करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ने कहा है तो करना पड़ेगा चाहे खर्चा हो चाहे ना अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको एक्सटर्नल ऑडिटर रखना है एक्सटर्नल ऑडिटर मैंने इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ सब कुछ सही चल रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर रख के उसको भी मैं लाख रुपए दूं लेकिन गवर्नमेंट ने बोला देने पड़ेंगे सो दिस इज फॉल्स अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो करना पड़ेगा फायदा नहीं है किस चीज की वजह से टीमिंग एंड लैडिंग नहीं होगी D? नहीं सर, D तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो आंसर है that should be C. C क्यों? हाँ? Regular rotation. अब regular rotation देखो, अगर मैंने बंदा ही चेंज कर दिया, वो क्या बोलेगा? भाई पैसे तो अगले दिन क्या आ रहे हैं? और ये पिछले दिन नोट कर रहे हैं, वो पकड़ लेगा पहले। टीमिंग एंड लैडिंग क्या होता है कि वो एक दिन पुरानी बिलिंग दिखाता जा रहा है पैसे दिखाता जा रहा है तो जब नया बंदा आएगा वो पहले पकड़ लेगा अच्छा इसने तो भैया एक दिन आके चल रहा है ये सो अगर लोग हां ठीक है मेरे पास कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलियर करता हूं मैं डेटर क्रेडिटर चेक कर रहा हूं डेटर क्रेडिटर चेक हां सी एंड ए थोड़ा सिमिलर है सर मैंने तो ये लाइन मारी है नहीं सी एंड ए सर सी एंड ए जैसे कि सर पर शुड बी प्रेजेंट अगर ऑर्गेनाइज ऑफ द डेटा यानी अगर दो लोगों के पास अथॉरिटी हो यानी दोनों के हिसाब भी नहीं कर सकते लेकिन वहां पे चांसेस कम हो सकते हैं बात कर लेना क्योंकि दो बंदे का हाथ में और सी भी एक है यानी अगर एक और एक के एक साथ में दोनों को सो ये बी के लिए कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन ने पढ़ा है उसने बैंक स्टेटमेंट बैंक कंट्रोल अकाउंट क्या होता है कंट्रोल अकाउंट जो सारे डेटाबेस रिसीवेबल लेजर और रिसीवेबल कंट्रोल टोटल
उसमें टीवी की लाइन का कोई रोल ही नहीं है। जब पैसे आए वो मैं नोट करता जाऊ। अब जो बंदा ये फ्रॉड कर रहा है वो घुमा ही इस तरीके से रहा है कि पैसे पहले आ रहे हैं, तो वो तो लेजर जब एंट्री ही वो गलत कर रहा है तो दोनों में सेम ही आए ना, तो वहां पे तो चेक हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं है, टू पीपल शुड हैव प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ मेल। अब ओपनिंग ऑफ मेल किसी की भी मेल हो सकती है, जरूरी थोड़ी है टीवी लाने के लिए किसी की भी मेल हो सकती है। तो इफ टू पीपल आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेल, अब अगर दो बंदे मेल में सामने सामने मेल के हैं, अब देखो मैं बता दूं थोड़ा प्रैक्टिकली, दो बंदे सामने मेल चेक कर रहे हैं, क्या होगा क्या चेक कर रहे हैं, खाना ऑर्डर, दो बंदे सामने मेल चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों बंदों ने सोच लिया कि चल आधे पैसे तू खाएगा आधे पैसे मैं खाऊंगा, तो इसका तो प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो। लेकिन जब मैंने उस बंदे को उठा के दूसरे की ड्यूटी दी, दूसरा बंदा क्या बोलेगा, अच्छा वो 100 रुपए खा गया, या तो मैं भी खाऊंगा या फिर उसको पकड़ूंगा मैं, नॉर्मली तो वही बोलेगा उसको पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि कल को अगर गलती पकड़ी गई तो इस पे नाम आते ना, तुझे कभी चेक किया था? अगर कल को गलती पकड़ी गई तो सबसे पहले तेरे पे नाम आएगा, उसने तो फ्रॉड करा है, तूने भी तो जान बुझ के छुपाया है ये, तो तू भी पकड़ा जाएगा। सो इसको वो चीज छुपानी नहीं पड़ेगी, बतानी पड़ेगी ये फ्रॉड चल रहा है। सो इसीलिए सी इज द आंसर, ठीक है। चलो 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन ऑफेंस अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन? सर ऑफेंस नॉट मतलब ऑफेंस मतलब जुर्म, कौन से थेफ्ट ऑफ कैश जुर्म नहीं होगा? सर बी इन्वेस्टिंग, बी इस नहीं इन्वेस्टिंग प्रोसीजर द सेल ऑफ स्टोरीज, इन्वेस्टिगेशन को जुर्म नहीं होगा। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे लगाना, इन्वेस्टिंग सर वही हो सकता है, ट्रांसफर सर आंसर सी ही बनेगा, सी है सर, सी बनेगा ना आंसर सी आएगा। पता है क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, काला धन सफेद करना, उसके नॉट लिखा है नॉट। हाँ मैं भी बताऊं, काला धन सफेद करना मनी लॉन्ड्रिंग, पोजेसिंग स्टोलन प्रॉपर्टी ये भी काला धन होता है, इन्वेस्टिंग द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ स्टोलन गुड, चोरी हुए गुड मैंने बेच दिए, दैट इज आल्सो काला धन, ट्रांसफरिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी मैंने किसी और के नाम पर ट्रांसफर, ये भी काला धन सफेद करना, लाइन में लिखा थेफ्ट ऑफ कैश, एक चोर अगर चोरी करता है वो काला धन नहीं, वो उसका धंधा है, वो फ्रॉड होता है, उसका बिजनेस है वो, नहीं उसका बिजनेस है चोरी करना। अब भीख जो मांग रहे वो काला धन थोड़ी है उनका, वो उनका पेशा है पैसे कमाना। तुम्हें पता है भिखारी भी इनकम टैक्स इधर भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, एक बॉम्बे के भिखारी ने 60 करोड़ रुपए टैक्स पे किया था, एक बॉम्बे के भिखारी ने 60 करोड़ रुपए टैक्स पे किया था, 60 करोड़ कितना रुपए, यानी उसने कमाई कितना, कम से कम 200-250 करोड़ एक साल, सोचो भिखारी ने, भिखारी ने पूरा पूरी जिंदगी पढ़ाई में और जॉब पे इतनी देर में वेट कर दी, 80 पैसा तो यहाँ हो गया। फैक्ट है, तुम एक चीज देखो, तुम एक लाइफ पे रुको जो काफी ज्यादा ट्रैवल लाइट वाले, वहां पे जाओ, एक बंदा अगर एक लाइट पे रुक के भीख मांग रहा है, आजकल तो 5 रुपए से कम कोई देता, अगर 120 गाड़ियां रुकी है, मैं कहता हूँ 20 में से 2 गाड़ी वाले भी दे, दो भी मैं कम बोल रहा हूँ, 3-4 गाड़ी वाले दे, 2 गाड़ी वाले भी दे 10 रुपए एक लाइट के। अब मैथ्स देखो, दिन में कितने घंटे वो काम करते हैं, 8 आवर्स, लाइट कितने की होती है, 1 मिनट की, 1 मिनट की लाइट होती है, 2 मिनट की भी होती है, तो मैं लगा दू 1 घंटे में दे हैव अराउंड 50 लाइट्स, वो भी सिर्फ 2 गाड़ियों से पैसे मांगे, अभी तो मैंने सिर्फ 2 गाड़ियां बोली हैं, वो भी 2-5 रुपए दे रहे, सोचो दिवाली का टाइम होता तो क्या ही होता मैं तो मैं एक काम कर दूं, छोड़ के बाहर मैं सड़क पे पढ़ाना शुरू कर दूं, देखो बच्चों को पढ़ा दूं पैसे से, मतलब जगह
गूगल पे हाँ हाँ गूगल पे कम्युनिटी है इनकी, वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, अब बाय करना पड़ेगा वो, और वो घाटे घाटे बंदे को करते को तोड़ाना पड़ेगा सर कार्ड डाले सर प्रोवाइड 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 मैं तुम्हारा सामने जाना तेरे बिना कुछ करने डाल दिया तो आ लेना अपने हाथ में उन्होंने वही तो कह रहा है मारो तो जो आदमी बिल्कुल रिलैक्स है और कुछ ना पढ़ा लिखा ना कोई लाइफ ना कुछ उनको क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए भाई हाथ धोवा के मैं कह रहा हूं तेरे को महीने की अभी तो मैंने मिनिमम लगाया मिनिमम दिस इज मिनिमम इससे कम तो हो ही नहीं सकता इससे कम तो सवाल ही नहीं है मतलब मिनिमम कुछ करे 48-50 रुपए कमा रहे सड़क पे बैठ के और इनके लिए कोई वो भी नहीं महंगे कपड़े चाहिए सस्ते कपड़े लो कपड़ों का खर्चा भी बच गया तो ये दिस इज मिनिमम सिस्टम अगर ऐसे करने पे हो तो दे कैन अर्न अगर कोई भी भिखारी है अगर थोड़ा बहुत अच्छी जगह पे जाके भीख मांगते हैं तो मैं पता इनकी भी शिफ्टिंग चलती है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज इस लाइफ पे भिखारी 10 दिन रहेगा दूसरा पे भिखारी आएगा ये वहां जाएगा रिपीटिशन नहीं कम्युनिटी वाला लग जाए कि हमें अब एक बार बताओ अगर ऐसा जगह जगह पे रिपीटिटली देखोगे ना तो वो आप सुन जाओगे भाई इसका काम ही है और नहीं वो तो सभी को पता है चेंज कर दो नहीं नहीं वो तो सभी को पता है कि वहां बैग बैठा वो वीक मांग रहा है लेकिन चक्कर पता क्या है जो सबसे हाईएस्ट रनिंग लाइट्स होती है वहां पे तो सारे भिखारी नहीं है लेकिन कभी देखे कि वहां पे 100-200 भिखारी भिखारी होते 5-10 ही है बस तो वो ड्यूटी शिफ्ट होती है कि तू पुराने घर पर जा वहां कम आएगा या वहां क्यों नहीं देना किसी को मैं तो खुद कहता हूं पानी की ना पेटी लेके रखो जो होती है ना 5 रुपए वाली बॉटल उसकी उसमें 24 आती है वो पेटी भी सस्ती पड़ती है तुम्हें मेरे ख्याल से 10-20 तुम्हें मेरे हिसाब से 100 रुपए की पेटी मिल जाएगी ठीक है ऐसी 3-4 पेटियां लेके रख लो सीट पे कोई भिखारी है उसको पानी दे दो चलो अब मैं कसम खा के बता रहा हूँ अभी परसों की बात है मतलब देखो हुंदक आए में लिटरली वो बंदा पीटने वाला था मैं वाइफ से बात कर रहा था वो ये क्या तुम कर रहे हैं क्या हुआ था एक बंदा मेरे पास आया रोता हुआ कहता कि कुछ खाने को दे दो कुछ खाने को दे दो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं खाने को तो मेरे पास ना एक डब्बा रखा हुआ है उसमें लड्डू का रखे होते हैं तो मैंने कहा लड्डू रखे लड्डू खाया कहता दे दो चौकिया दे दो आपको पता नहीं कोई लड्डू बंदे को मेरी वाइफ भी फोन पे कहती कि बड़ा भिखारी चल रहा है इसको दे दो मैंने 2 लड्डू निकाले और 2 लड्डू उसको दे दिए उसने चुपके से लड्डू लिए और मेरे पास ना ऐसे खड़ा हुआ था मैंने और यहाँ पे थैला लटका हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया उसने थैले में डाल दिए और वो चलता बना मैं भी फोन पे था फिर मैंने पलट के देखा थैले के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है 15-20 पूरा भरा पड़ा है थैला और बंदे के पास गया उसने अपना खाने पीने का पिज्जा खा था वो पिज्जा का बॉक्स दिया उसे उसमें डाल दिया आगे बेचते अपने भिखारी कम्युनिटी में लड्डू खाया 2 रुपए का लड्डू देते चिल्लरे तो होते तो भाई मैं बताऊं हम सारे अभी दुनिया से ऊपर में कम है एक्सपीरियंस हमें मेरे को थोड़ा ज्यादा इसलिए ऑल्दो मैं तुमसे बड़ा भी हूँ और वैसे मैंने बहुत जगह देखी हुई है मैं सतपुर भी काम कर चुका हूँ चंडीगढ़ भी काम कर चुका हूँ मैं दिल्ली गुड़गांव में बॉम्बे भी जा चुका हूँ मैंने बहुत सारी जगह देखी है तो ये चीज से एक्सपीरियंस हो जाता है कि जो भिखारी होते हैं देखे अभी कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है हमने वो भी टाइम देखा और बाइक में बंदे भीख मांगते थे गलने के बंदे को मार देते थे हमारे सामने की बात एक बंदा आया उसने कहा कि मैं लिफ्ट देता हूँ उसने लिफ्ट दी उसमें चाकू रखा था यहीं पे चाकू मारा बाइक लेके निकल आजकल तुम सोचो भलाई का जमाना आजकल एक लेडी अगर कोई गोल्ड की ये डाल के रोड पे चल रही हो बंदे ऐसे खींच के जाते हैं चाहे कार निकले चाहे ना निकले हमारे जहां मैं रहता हूँ रेंट पे वो नीचे जो बैकग्राउंड लेडी है उसका कान निकल गया था बाहर कान लिटरली बाहर निकल गया था एक बंदा बाइक पे आता है ऐसे छींक रहे कान निकल गया फिर उसने कान उठाया और उसका वो कर पाया ऑपरेट कराया सोचो ऐसे 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 तो बंदो अब तुम्हें पता है बांग्लादेश में क्या ट्रेंड चल रहा है टाइम है इसलिए मैं 20 करोड़ इस पर बंद कर देता हूँ बांग्लादेश में पता है क्या चल रहा है बांग्लादेश में बड़ा बंदा